तो भाई हमारा भी समय आ गया है, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ रहा है ना, तो थोड़ा पर्यावरण का ख्याल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए उनका बचना एटलीस्ट सर्वाइवल तो हो सके, बस इतना ही चाहिए। जितना काटना था काट लिए भाई, अभी पेड़ लगाइए। अप्रैल 2, ठीक है, अप्रैल 2 से ही टेम्परेचर इतना हाई होने लगा है, और अभी मई जून अभी बाकी है। अभी ये समय आने के लिए अपेक्षा मत कीजिए कि लोग पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर पकड़ के घूमे, ठीक है, ये सब बात समझिए। तो पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ से फल फल सब मिलता है, ठीक है, अभी जानते हैं में आता है, पर एक पेड़ कितने सारे ऑक्सीजन देता है, जो कि सांस लेने में आदमी 1-2 सेकंड सांस रोक ले तो जान मतलब हथेली पे आ जाता है। तो ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस कितना है वो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो भाई एक जगह दिखा रहा हूँ, बस देखो, ये पेड़ देखो, ये पेड़ का एक एक डाली एक एक बड़े पेड़ जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है पेड़ का छांव, और यहाँ हूँ मैं आज आया हूँ बापुनी भाई के घर, ठीक है। बापुनी भाई वो है जो कि हम जब नेपाल गए थे, नेपाल ट्रैवल के लिए गए थे, नेपाल में हमारे जॉन भाई जो है मेरे भैया के दोस्त, जॉन भाई का दोस्त है बापुनी भाई। तो अभी बापुनी भाई से रिश्ता हमारा ऐसा इतना अच्छा जुड़ गया कि अभी उनका जब शादी हो रहा था तो तब मेरा तबीयत कुछ अच्छा नहीं था, बहुत ही ख़राब हो गया था, एसिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए उनका मैरिज में अटेंड नहीं कर पाया। तो उसके बाद आज मैं आया हूँ बापुनी भाई के घर, मैं और मेरा वाइफ दोनों। तो आते आते उनका ये जो घर के पास ही है ये वाला खेत जो है, खेत के पास ये जो पेड़ है, हमारे यहाँ उड़िया में बोलते हैं चाकुंडा, ठीक है, चाकुंडा गच्छ। तो चाकुंडा का जो पेड़ है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, बरगद का पेड़ ही इतना बड़ा होता है, ठीक है, बैनियन ट्री जो होता है, बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता है, बरगद के बाद मुझे लगता है चाकुंडा ही इतना बड़ा हो सकता है, इतना ऊंचा, ठीक है। तो ये वाला पेड़ और ये वाला ये खेत, यहाँ पे जो गाय खड़ा है, गाय, तो ये सब देखकर मेरे गांव का याद आ गया। मेरे गांव का याद आया मतलब मैं अपना गांव जाता हूँ, बीच बीच में जाता हूँ, पर मेरे गांव का ये जो सीनरी था पहले वो अभी चेंज हो चुका है। इतना बड़ा पेड़ था जो कि 99 में जो साइक्लोन हुआ था, उड़ीसा का साइक्लोन, 2-2 या 3-3 ठो बड़ा बड़ा चाकुंडा पेड़ वह उस टाइम पे टूट गया। फिर उसके बाद और कोई भी इतना बड़ा पेड़ नहीं है गांव के पास जो इतना ऊंचा हो। तो भाई पेड़ों से मेरा नाता कुछ मतलब, संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका पेड़ों के साथ अच्छा रिश्ता है, मतलब क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई बच नहीं सकता है, और पेड़ों से क्या क्या मिलता है मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं, खाना पीना से लेकर हमारा फर्नीचर से लेकर क्या क्या मिलता है कोई बता ही नहीं सकता। तो पेड़ों से ही ये संसार चला है, ट्री नहीं है तो हम भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इतना सारा अच्छा सब कुछ होने के बाद भी इतना सारा पेड़ क्यों काटा जाता है, जबकि रोड का एक्सपेंशन होता है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है बहुत सारे पेड़ काट देते हैं। तो ये वाला वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि भाई इस पेड़ के छांव में खड़े होकर कितना शांति मिलता है, मन को कितना शांति मिलता है, हृदय को कितना शांति मिलता है, सोल को कितना शांति मिलता है। तो भाई पेड़ क्यों नहीं लगाते, आजकल तो पेड़ ज़्यादा लगाया नहीं जा रहा है, कोई कोई ही है जो कि पेड़ लगा रहे हैं, तो सभी पेड़ काटने में तुले हुए हैं, कोई पेड़ लगाने के लिए कोई कोशिश नहीं करता है। तो ये वीडियो बनाने का मतलब ही यही है भाई, देखो पेड़ों का, पेड़ नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, ठीक है, ट्रीज आर लाइफ, तो ये समझो। तो अभी मैं भी एक
मेरे तरफ से एक छोटा मोटा मतलब मिशन जैसा मैं शुरू करने जा रहा हूँ, कटक में जगह जगह पे जाके पेड़ अब लगाऊंगा, ठीक है। मैं ये झूठ मूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग आगे भी देखिएगा मेरे वीडियो में, मैं लगाना शुरू कर दूंगा। अभी तो मैं लगाना शुरू कर चुका हूँ, कुछ कुछ पेड़ लगाया हुआ हूँ, पर अभी बड़ा बड़ा पेड़ जो है जगह जगह पे लगाना शुरू करूँगा। कि मैं ही भी देख रहा हूँ कटक के अंदर रोड एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। जंगल से मेरा एक अनोखा नाता है, ठीक है। तो भाई ये वाला पेड़ देखते हो ना, पूरा अवतार का सीन लगता है। अवतार मूवी देखे हो ना, जॉन कैमरोन जो है, टाइटेनिक मूवी जिसका आया था, उन्हीं का है अवतार मूवी में देखना, उनका पेड़ कितना बड़ा बड़ा है, ठीक है। और उनका पेड़ काटने से वहाँ का जो जिस प्लैनेट का वो जो वहाँ पे पेड़ को बहुत मानते हैं, तो काटने से वहाँ का लोग भड़क उठते हैं और उनको पेड़ बटा उनके जंगल बचाने के लिए वो निकल पड़ते हैं। तो भाई हमारा भी समय आ गया है, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ रहा है ना, तो थोड़ा पर्यावरण का ख्याल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए उनका बचना एटलीस्ट सर्वाइवल तो हो सके, बस इतना ही चाहिए, ठीक है। अभी ये समय आ चुका है, पेड़ लगाने का समय आ चुका है, जितना काटना था काट लिए भाई, अभी पेड़ लगाइए, ठीक है। तो ये है सीन, कितना शांति मिल रहा है भाई, देखो तो ये वाला सीनरी देख के ही मन को ठंडक पहुंच रहा है। और अभी तो महीना चल रहा है हमारा मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, आज है अप्रैल 2, ठीक है। अप्रैल 2 से ही टेम्परेचर इतना हाई होने लगा है, और अभी मई जून अभी बाकी है, अभी 2 महीना। तो भाई पेड़ों का जो मतलब जो इम्पोर्टेंस है ना, वो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं बोलूँगा, तो ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं, और एक बात ये है कि पैंडेमिक जो गया हमारा, जो 2020 का जो कोविड पैंडेमिक गया, कोविड पैंडेमिक में आप मास्क लगाना, मास्क और एयर जब पॉल्यूटेड होता है उसमें कोई वायरस आ जाता है, तो उसके बाद जीना कितना ख़राब हो जाता है वो भी आपने समझा। तो एयर पॉल्यूशन को भी आप गूगल कीजिए और अच्छी तरह से समझिए कि एयर पॉल्यूशन रियली होता क्या है और ये क्या क्या कर सकता है, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी के लिए और टोटल एनिमल्स के लिए, ठीक है, अर्थ के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है जो हमारा एयर पॉल्यूशन, तो उसको तरह अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। तो ये समय आने के लिए अपेक्षा मत कीजिए कि लोग पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर पकड़ के घूमें, ठीक है, ये सब बात समझिए। तो पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ से फल सब मिलता है, ठीक है, सभी जानते हैं उसमें मतलब है, ठीक है। पेड़ कुछ किस पेड़ से फल आएगा, किस पेड़ से ये आएगा, किस पेड़ को काटने से उसके लकड़ी से हम फर्नीचर बनाएंगे, ये सब माइंड में आता है। पर एक पेड़ कितने सारे ऑक्सीजन देता है, जो कि सांस लेने में आदमी 1-2 सेकंड सांस रोक ले तो जान मतलब हथेली पे आ जाता है। तो ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस कितना है वो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ भाई, पेड़ जैसा भी हो, हमको फल दे या लकड़ी दे या उससे कुछ मिले ना मिले, कुछ भी ना मिले, ऑक्सीजन ज़रूर मिलता है। तो ऑक्सीजन का जो मतलब जो इम्पोर्टेंस है ना, उसको समझिए, ठीक है। ऑक्सीजन आप जो सांस लेते हो ना, किसी पेड़ की दया की वजह से ही सांस लेते हो, ठीक है। पेड़ अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा दिन के टाइम पे और ऑक्सीजन नहीं बनाएगा तो तुम तो गए काम से, ठीक है। तो भाई पेड़ का इम्पोर्टेंस समझिए, ऑक्सीजन के मतलब के ऑक्सीजन क्रिएशन के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन बनाने के लिए पेड़ का इम्पोर्टेंस समझिए, ठीक है। जो हमारा सांस चलता है सुबह शाम, वो पेड़ के वजह से ही चलता है, वो समझने की कोशिश कीजिए। आपको अच्छा लगेगा जब आपका कोई ऐसा पैंडेमिक आएगा जब ऑक्सीजन नहीं होगा, धीरे धीरे लोग
एयर के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारपीट हो रहे होंगे, वो सब समय आएगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? तो अभी से वो सब समय के लिए समय से पहले आप सचेत हो जाइए और पेड़ लगाना शुरू कीजिए, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे सद्गुरु ने कुछ ही दिनों से पहले सेफ सॉइल का प्रोग्रामिंग किया था, सॉइल का जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो जो उसका जो कमी आ रहा है, ठीक है, सॉइल का फर्टिलिटी कमी होने की वजह से हमारा फूड शॉर्टेज दिखाई देगा, फूड शॉर्टेज दिखाई देगा तो कंट्री के बीच फाइटिंग होगा सिर्फ खाने के लिए, ठीक है, वो भी एक समझने वाली बात है। सॉइल इरोशन जो होता है, सॉइल एक माने मुट्ठी भर मिट्टी का क्या कीमत है कोई नहीं समझता है, ठीक है, जो पॉल्यूटेड चीज़ है वो सब हम मिट्टी में छोड़ देते हैं, तो मिट्टी का हमारा पर्यावरण का बात सोचिए, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए कुछ सोचिए, क्योंकि यही है जिससे जो हमें मतलब सुबह हम जिंदा उठते हैं तो इन्हीं के लिए उठते हैं, नहीं तो हमारा भी कोई वजूद नहीं होगा, ठीक है, तो एनवायरनमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसके बाद हमारा बिजनेस, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा कैरियर, ये सब आता है, पहले आता है एनवायरनमेंट। हमको बचने के लिए भाई एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए, तो पहले भाई एनवायरनमेंट के लिए सोचिए, उसके बाद अपने बिजनेस, अपने कैरियर, अपने फैमिली, अपना देश, वो सब सोचिए, ठीक है, तो पहले भाई पर्यावरण का ख्याल रखा कीजिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए इतना ही, इस वाले वीडियो में ओनली एनवायरनमेंट वाले एनवायरनमेंट के बारे में ही बात करना था, ठीक है। आ, 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 आ.